आयकर विभाग की कार्रवाई पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कार्रवाई को लेकर आयकर विभाग ने प्रेस नोट जारी किया है। उन्हें 1,000 से 5 करोड़ रुपए की दलाली के कागजात मिले हैं। इसमें तबादले निविदा है, मंत्री अधिकारी है, अनेक खुलासे हैं। शक्कर कारखानों की बिक्री प्रक्रिया गलत तरीके से की गई। खरीदी के लिए जो पैसा लगाया गया वह गलत पद्धति से लगाया गया है। रिश्वत का पैसा भरकर कोई भी सफेद नहीं कर सकता है। जिन कंपनियों को ऐसा पैसा हस्तांतरित किया गया है उनके संचालकों की भी जांच शुरू है। आईटी विभाग ने जो छापामारी की है, पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट में बताया जिसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में इस छापामारी में 1,000 करोड़ रुपए की दलाली और ट्रांसफर्स में पैसा, इसके सारे एविडेंस उनको मिले हैं, उसका सारा हिसाब मिला है, किसके पास पैसा गया मिला है, इसमें नेता है, इसमें कई अधिकारी है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसको राजनीतिक रूप देना ये बिल्कुल गलत है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अभी तो इतनी जानकारी बाहर आई है, जब आईटी विभाग और जानकारी देगा तब इसके ऊपर हम और डिटेल्ड अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। दूसरा, जो छापामारी कल परसों हुई है वो किसी परिवार के ऊपर नहीं हुई है, किसी परिवार को टारगेट करने के लिए भी नहीं हुई है। अगर हम देखें तो 5 शुगर मिल जिनको खरीदा गया था और खरीदते समय उसकी प्रक्रिया में भी प्रॉब्लम्स है, इस प्रकार की कुछ कंप्लेंट्स थी और उसके सोर्स ऑफ फंड्स की भी कंप्लेंट्स थी, तो उसके ऊपर आईटी विभाग ने तफ्तीश करके जब उनके ध्यान में आया कि सोर्स ऑफ फंड जो है ये एक प्रकार से काला धन है, ऐसा हो सकता है, ऐसी चीजें उनके ध्यान में आई, तब जाकर उन्होंने इस प्रकार से उसके ऊपर छापामारी की है। और इसलिए ये छापामारी उन शुगर फैक्ट्रीज के डायरेक्टर्स के ऊपर हुई है, किसी परिवार के ऊपर नहीं हुई।